हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे चैनल बायो प्रो प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। और हाँ डियर गाइस, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने कई बार आपको बताया, दो तरह की होती है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिफरेंस को पढ़ने से पहले हम पहले बेसिक पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल ही है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरर, यानी इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉम्सन इन 1945। यानी पोर्टर एंड थॉम्सन ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर्ड किया था। बट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नाम किसने दिया? तो पोर्टर ने इसको 1953 में इसको नाम दिया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दो लोगों ने मिलकर डिस्कवर किया और नाम सिर्फ पोर्टर ने दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होता है। डियर गाइस, जब मैंने लास्ट टर्म पे आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। मैंने उस डायग्राम में आपको क्लियर किया था। तो सिमिलरली मैंने ये न्यूक्लियस का पार्ट बनाया हुआ है। ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये इसके न्यूक्लियर पोर हो गए। मैंने न्यूक्लियस शॉर्ट में बनाया सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझाने के लिए, और इससे अटैच ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ये जो देख रहे हैं डॉट डॉट, ये क्या है, इसमें राइबोसोम अटैच हैं। इसलिए जिस भी पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट में राइबोसोम अटैच होते हैं वो पार्ट क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्योंकि वो सतह क्या होती है, रफ होती है, खुरदरी होती है, इसीलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सिमिलरली जो सेकंड टाइप की होती है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, क्योंकि स्मूथ वाले पार्ट में कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होती, यानी वो सर्फेस क्या होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम आपको डिफरेंस पढ़ाएंगे। डिफरेंस क्या होते हैं, ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें एक तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक तरफ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर गाइस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RER, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में बोलेंगे SER। तो मैं शॉर्ट में ही बोलूंगी, आप समझ जाइएगा। तो RER यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो इसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सतह पे, इसकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच होते हैं, इसीलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बट जो स्मूथ वाली होती है यानी कि इधर होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होते, डजंट बेयर द राइबोसोम्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड क्या है, जो रफ ईआर होती है वो क्या होती है, बेसिकली सिस्टर्नी और फ्यू ट्यूबुल से बनती है। आप देख रहे हैं ये सब सिस्टर्नी, यानी ये फ्यू सिस्टर्नी और ट्यूबुल से मिलकर बनी होती है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या होती है, वेसाइकल्स और ट्यूबुल से मिलकर बनी होती है। ये इसका सेकंड डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। थर्ड डिफरेंस क्या होता है, जो रफ ईआर होती है यानी स्मूथ रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या होती है, इंटरनल होती है। यानी कि अगर किसी सेल में हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ या रफ कहाँ पाई जाएगी, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो इंटरनल होती है, वो न्यूक्लियर एनवलप से अटैच होती है, न्यूक्लियर एनवलप से इसकी ओरिजिन होती है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो पेरीफेरल होती है, यानी कि किसी सेल में पेरीफेरी की तरफ, किनारे की तरफ पाई जाती है, इसीलिए मे भी ये प्लाज्मा लेमा से अटैच हो सकती है, क्योंकि सेल की जो सबसे इनर मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्मूथ वाली है वो प्लाज्मा लेमा से अटैच हो सकती है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है, लाइसोसोम फॉर्मेशन का काम करती है, अगर इसके फंक्शन की बात करें। और जो स्मूथ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है, वो स्फेरोसोम्स को बनाती है, ये भी एक तरह के सेल के पार्ट्स हैं, तो स्फेरोसोम्स को बनाती है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती है, पार्ट लेती है, क्योंकि क्या होता है, पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस किससे होती है, राइबोसोम से होती है, और राइबोसोम कहाँ होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। यानी जो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती है, बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करती है। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें क्या होता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन के एंजाइम होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यानी इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स
होते हैं जो हमारी बॉडी को डीटॉक्सिफाई करते हैं, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से बेसिक डिफरेंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंड स्मूथ में। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कई बार दो नंबर का क्वेश्चन आता है, प्लीज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इस तरह से सेलुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो डियर गाइज, आज का हमारा ये टॉपिक अभी ख़त्म हो रहा है यहीं पे। मैं नेक्स्ट टाइम पे आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगी, बट उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, अपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ जो भी आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, अगर आपका इन सब पे अकाउंट है तो हमारे चैनल को अपने इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे फॉरवर्ड करिए। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और सभी को शेयर करिए और इसके बारे में इन्फॉर्म करिए, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल को देखें और उनके जो भी घर पे चिल्ड्रन है या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ऐसे हैं जो कि 11th 12th या 9th to 12th की स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को देख सकें और हमसे इस चैनल का जो नोट्स हैं इसके फ़ायदा उठा सकें। तो डियर गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेरी ईमेल आईडी neelumishra999@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई इंक्वायरी हो या आप मुझसे बेसिक लेवल का कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द अपना कांटेक्ट नंबर भी इसमें शेयर करूँगी, अभी मैंने शेयर नहीं किया हुआ है। चलिए, थैंक यू।